नमस्कार, sathindi.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि भारत में कुछ जगहों पर स्थानीय इलाकों में कम्युनिटी स्प्रेड यानी कि सामुदायिक फैलाव शुरू हो चुका है। गुलेरिया ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि अगर हम दुनिया के हिसाब से देखें तो हमारी स्थिति बेहतर है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि कुछ जगहों पर हॉटस्पॉट बने हैं, इसलिए हमें आक्रामक रहने की जरूरत है क्योंकि कुछ जगहों पर कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, हम उसे ना फैलने दें। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,757 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। सोमवार को इस वायरस से संक्रमण के 479 नए मामले सामने आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है कि यदि उसने कोरोना के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा नहीं दी तो वॉशिंगटन उसके खिलाफ व्यापार में बदले की कार्रवाई करेगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भारत में मलेरिया के इलाज में उपयोग होता है, पर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना में उसके प्रयोग से फायदा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद भारत मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरीन का एक बार फिर से निर्यात करेगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरीन का निर्यात किया जाएगा। ये निर्यात उन देशों को होगा जो बुरी तरह से प्रभावित होंगे। बता दें, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत को देखते हुए अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के जवाब में राहुल गांधी ने ट्विटर पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि दोस्ती में जवाबी कार्रवाई नहीं होती है, भारत को सभी प्रभावित देशों की मदद करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले उसको अपने लोगों के लिए दवाओं का स्टॉक भरपूर मात्रा में रखना चाहिए। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के एक और डॉक्टर और 11 नर्स कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले हफ्ते जब अस्पताल के एक डॉक्टर का टेस्ट पॉजिटिव आया था तब संस्थान को बंद कर दिया गया था। इस डॉक्टर का परिवार पिछले महीने ब्रिटेन से लौटा था और आशंका है कि वहीं से ये लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए होंगे। सोमवार को अस्पताल को सील कर दिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज यहां 23 और नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 891 हो गई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल किया गया है। यहां उनका कोरोना का इलाज किया जा रहा है। लगभग 10 दिन पहले उन्हें कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया, लेकिन 2 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्पेन में कोरोना वायरस के संक्रमण से हो रही मौतों में लगातार चौथी बार बड़ी गिरावट दिखी है। बीते 24 घंटों में 637 लोगों की मौत हुई है, जो 2 सप्ताह में सबसे कम है। यहां अब तक कुल 136,675 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 13,341 की मौत हो चुकी है। अब तक 40,437 लोगों का इलाज किया जा चुका है। भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने कोरोना के आने के बाद उनके साथ जो नस्लीय टिप्पणियां की जा रही हैं, उसके ऊपर एक कॉलम लिखा है। उन्होंने अपना दर्द साझा करते हुए लिखा है कि पहले उनको लोग चाइना माल, हाफ चाइनीज और चिंकी नाम से तो बुलाते ही थे, अब इसमें एक नई चीज जुड़ गई है, मैं हाफ कोरोना हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ये भी जानती हूँ कि वे वही लोग हैं जो मुझे ट्रोल करते हैं, लेकिन जब वे मुझसे मिलते हैं तो सेल्फी मांगते हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए sathindi.com के साथ।